हेलो दोस्तों, मैं शिवांशु शर्मा। आज हम बात करेंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आप लोगों ने सुना ही होगा कि हर कोई देश अपने संविधान के अकॉर्डिंग अपने नागरिकों को कुछ अधिकार देता है। ऐसे ही भारत के अंदर भारत के संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को कुछ उनके फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। आज हम इन्हीं फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे कि हमारे जीवन में ये क्या महत्व रखते हैं और कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार हमारे यहाँ पर लोगों को दिए गए हैं। आइए शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं मूल अधिकारों की। मूल अधिकार, ये मूल अधिकार, मूल अधिकार जो है भारत के संविधान के भाग तीन के अंदर मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। और ये जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार का जो ये चैप्टर है, ये आर्टिकल अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय संविधान के अंदर बताया गया है। हालांकि अनुच्छेद 12, 13, उसके बाद 33, 34 और 35, ये हमारे मूल अधिकार, मतलब कि जो मूल अधिकार हमारे यूज़ करने के लिए, ये वो नहीं है। इसके अंदर कुछ मूल अधिकारों के बारे में अलग से बताया गया है। जैसे कि अनुच्छेद 33 के अंदर बताया गया है कि किन हालातों पर जो हमारे पुलिस अधिकारी होते हैं, सैन्य बल होते हैं, उनके मूल अधिकारों पर किस प्रकार से रोक लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 34 के अंदर भी इसी तरीके से बताया गया है। अनुच्छेद 35 के अंदर बताया गया है कि हमारे मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए संसद कौन से कानून बना सकती है, ये बताया गया है। अनुच्छेद 12 राज्य के बारे में बताता है और अनुच्छेद 13 विधि के बारे में बताता है, ठीक है। बाकी जो अनुच्छेद 14 से शुरू होते हैं, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 32 तक, इसके अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है कि हमारे कौन कौन से अधिकार हैं जिनका हम यूज़ करेंगे और अपना जीवन सुखी तरीके से, मतलब कि अपना चहुमुखी विकास कर सकते हैं। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये अमेरिका से लिए गए हैं, है ना। और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, भाग तीन को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे ही अनुच्छेद वहाँ से लिए गए हैं, हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जो और देशों से भी लिए गए हैं। जैसे आर्टिकल 14 को ले लो, आर्टिकल 14 के अंदर दो भाग हैं, ठीक है, जिसमें से एक भाग तो हमारा ब्रिटिश संसद से लिया गया है और दूसरा भाग हमारा अमेरिका से लिया गया है, है ना। ये दो पार्ट हैं। अब हम बात करेंगे कि आर्टिकल 12 क्या है, क्योंकि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 12 से शुरू होते हैं। और आर्टिकल 12 हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप कभी भी आर्टिकल इनके बारे में पढ़ेंगे, मूल अधिकारों के बारे में, तो आपको दो शब्द सबसे ज़्यादा सुनने के लिए मिलेंगे, एक राज्य और दूसरा विधि। तो जो राज्य मैंने आपको बताया आर्टिकल 12 के अंदर है, और विधि शब्द जो है वो आर्टिकल 13 के अंदर है। इन दोनों को इन्हीं आर्टिकल 12 और 13 के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 क्या है, क्योंकि हमारे को हमारे मूल अधिकार समझने से पहले हमें आर्टिकल 12 और 13 यानी राज्य और विधि को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इनको समझते हैं। पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल 12, है ना, अनुच्छेद आर्टिकल 12 के अंदर क्या है। आर्टिकल 12 के अंदर है राज्य शब्द। अब आप में से बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा कि राज्य शब्द को परिभाषित क्या करना, राज्य तो हर किसी को पता है कि भाई क्या होता है, कि शिवांशु भाई राज्य को क्यों ही एक्सप्लेन किया गया है। राज्य का मतलब राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, ये सब राज्य हैं। आपके मन में यही क्वेश्चन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। राज्य का मतलब वो बिल्कुल नहीं है जो आप समझ रहे हैं। यहाँ पर राज्य का मतलब क्या हो सकता है, राज्य का अर्थ यहाँ पर बहुत ही बड़े रूप में है, बहुत ही बड़ा अर्थ निकलता है। राज्य क्या हो सकता है, पहला आपको पहले बताता हूँ कि राज्य है क्या, फिर मैं आपको बताऊँगा कि राज्य यहाँ पर एक्सप्लेन ऐसे क्यों किया गया है, है ना। तो पहला है केंद्र का, केंद्र की कार्यपालिका और विधायिका, ठीक है। उसी तरीके से राज्य की,
कार्यपालिका, विधायिका। ठीक है, अब यहां पर आ जाता है नगरपालिका। ठीक है, उसी तरीके से ब्लॉक आ गया, जिला आ गया, पंचायत आ गया। ठीक है, और ऐसे गैर संवैधानिक, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। अब बात करते हैं चौथे की, ऐसे वैधानिक, वैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय। ठीक है, जैसे LIC, GIC, है ना, ये सब हो गए। ये किसके अंदर आते हैं? ये हमारे राज्य की परिभाषा के अंदर आते हैं। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझें कि जब कभी भी हमारे राज्य की बात करी जाती है, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कौन कर सकता है? सीधी सी बात है कि सरकार होगी, क्योंकि हमारे को फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं वो इसीलिए दिए गए हैं कि कोई भी सरकार आकर के अपना राज स्थापित ना कर सके, बल्कि कानून का राज स्थापित करे, है ना। तो कानून का राज स्थापित किस तरीके से करना? एक संवैधानिक तौर पर, है ना, संवैधानिक तौर पर, यानी कि संवैधानिक अधिकार जो हमको दिए गए हैं भाग 3 के अंदर, हमारे मूल अधिकार। अब हमारे मूल अधिकार के अकॉर्डिंग ही जो है कानून बनेंगे। अब हमारे ऐसे कानून तो बनेंगे नहीं ना जो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करें, और वो कानून बनाएगा कौन? कार्यपालिका, कार्यपालिका कोई भी अध्यादेश ला देना, है ना, विधायिका द्वारा कोई भी कानून बना देना, उसी तरीके से राज्य की कार्यपालिका या विधायिका, नगर पालिका का कोई डिसीजन। ठीक है, ब्लॉक कमेटी का, जिला का, पंचायत का, वैधानिक या गैर संवैधानिक निकाय, जैसे होते हैं ना वैधानिक गैर संवैधानिक निकाय, कोई से भी हो गए, LIC, GIC ने या फिर और कोई भी एक कानून बना दिया अपने एजेंसी के अकॉर्डिंग, है ना, ये सब हो गए। या फिर उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक और बताया था कि वो राज्य की परिभाषा के अंदर आता है। वो राज्य की परिभाषा के अंदर क्या आता है? निजी क्षेत्र भी आता है। अब वो निजी क्षेत्र कैसे आएगा? निजी क्षेत्र कैसे आएगा? जब कोई सरकार के साथ मिलकर के, सरकार के साथ मिलकर के काम करेगा, यानी कि कोई भी सेक्टर है, अगर वो निजी क्षेत्र है, अगर वो सरकार के साथ मिलकर के कोई काम कर रहा है और उस काम से किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वो राज्य की परिभाषा के अंदर आता है और डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के उस काम को चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब राज्य को इतने बड़े तौर पर परिभाषित क्यों किया गया है, है ना। अब हम बोल देते कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून, है ना, राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून, ठीक है, या फिर पंचायत, ब्लॉक, जिला, वैधानिक गैर संवैधानिक निकाय, इन सबको एक्सप्लेन करने में एक बहुत बड़ा, एक लेंथी काम हो जाता काफ़ी ज़्यादा। इसलिए इन सबको एक करके, है ना, एक करके एक नाम दे दिया गया, राज्य। ये राज्य, ठीक है। अब राज्य के अंदर क्या क्या आएंगे वो ये है। अब इतना सारा लिखने के बजाय कि जैसे कि लिखा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका, जिला पंचायत और कोई सी ब्लॉक, गैर संवैधानिक, संवैधानिक या फिर निजी प्राधिकरण जो कि सरकार के साथ मिलकर के काम कर रहे हो, वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। इसके बजाय क्या लिखना होगा कि राज्य गैर, जो भी गैर संवैधानिक कार्य हैं उनका, वो कार्य करके हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। एक सिंपल सी छोटी सी लाइन हो गई, है ना, कि राज्य जो है नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता, है ना। अगर राज्य शब्द नहीं होता तो लिखना पड़ता केंद्र सरकार की कार्यपालिका, विधायिका, राज्य सरकार की कार्यपालिका, विधायिका, नगर पालिका, जिला, ब्लॉक, पंचायत, वैधानिक, गैर संवैधानिक निकाय, LIC, GIC, निजी क्षेत्र और सरकार के मिलन के साथ ये सब कार्य करके हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। हो गई ना कितनी बड़ी लाइन। इसलिए इन सब को मिला करके एक शब्द राज्य जोड़ दिया गया। ये वो वाला राज्य नहीं है जो आप सोच रहे थे पहले, कि जैसे कि राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, ये वो वाला राज्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा राज्य है? केंद्र, ये वाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 की, कि आर्टिकल 13 क्या है।
आर्टिकल 13 बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें अपने मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स पढ़ने से पहले हमें ये दो आर्टिकलों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें समझाई गई हैं। आर्टिकल 13 को ले आते हैं। आर्टिकल 13 आ गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 13 के अंदर क्या बताया गया, विधि, विधि शब्द को एक्सप्लेन करा गया है, विधि। अब ये विधि शब्द क्या है भाई, कानून तो कोई भी बना सकता है, कानून बना दिया हो गया पास, है ना। तो इसके अंदर बेसिकली ये बताया गया है कि ऐसी कोई भी विधि, है ना, ऐसी कोई भी विधि या कानून जो नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, वो अमान्य घोषित कर दी जाएगी या गैर संवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, समझे। ऐसा कोई भी कानून, इसको लिख लेना, ऐसा कोई भी कानून जो नागरिकों के मूल अधिकार का उल्लंघन करती है, उसको गैर संवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। यह है विधि का मतलब, है ना। अब यहाँ पर विधि, भाई विधि तो कोई भी बना सकता है, है ना, कोई भी बना सकता है। तो कौन कौन सी विधि हैं, किनके द्वारा बनाई गई विधि हैं, ये सब भी तो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसी पे बात करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा पहला, ठीक है, दूसरा राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, तीसरा राष्ट्रपति, वो विधि नहीं बनाते हो, कुछ और है अभी बताता हूँ, या राज्यपाल का अध्यादेश, का अध्यादेश, ठीक है। और चौथा हो गया तुम्हारा कोई भी प्रथा या परंपरा, ठीक है। केंद्र सरकार की किसके द्वारा, कार्यपालिका, कार्यपालिका या विधायिका। सेम उसी की तरह राज्य सरकार की कौन होगी, कार्यपालिका, विधायिका। अब उसी तरीके से केंद्र में कौन होगी, कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब, कार्यपालिका का मतलब है यहाँ पे मंत्रिमंडल से। अब मंत्रिमंडल ने कोई भी अध्यादेश ला दिया, आदेश दे दिया, कोई निर्देश दिया, है ना, कोई भी अपनी बात कही, किसी कार्य करने के लिए कहा, है ना, तो वो किसके अंदर काउंट होगा, यानी कि कार्यपालिका, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कार्यपालिका का कोई भी आदेश, अध्यादेश, निर्देश, ठीक है। अब ये कुछ भी दे देते हैं इस प्रकार से, ये सब किसके अंदर काउंट किया जाएगा, आर्टिकल 13 के अंदर। किसके अंदर, आर्टिकल 13 के अंदर ये काउंट किया जाएगा, इसको विधि माना जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से विधायिका, अब ये विधायिका जो है, कोई कानून बना दे भाई, संसद के अंदर कोई कानून पास हो गया, ठीक है, कल से आपको बोल दिया गया, कानून पास करके कल से आपको बोल दिया जाता है कि आपको पानी पीना बनाए, स्वच्छ पानी पीना बनाए, ये सरकार की गारंटी नहीं है, है ना। अब ये कानून पास हो गया संसद के अंदर, अब ये संसद के अंदर पास हो गया तो कहाँ पे आप चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चैलेंज करेंगे, कि ये जो विधि बनाई है या फिर कानून, या जो ये कानून बनाया है, ये गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक क्यों है, क्योंकि नागरिकों को अनुच्छेद यानी आर्टिकल 21 के तहत स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है, स्वच्छ पानी का अधिकार। अब सरकार ने विधि क्या बनाई है, सरकार ने, संसद ने क्या विधि बनाई, यह बनाई कि आप भाई, आपको कल से, यानी कि आने वाली तारीख कोई सी भी हो सकती है, वो उससे स्वच्छ पानी पीने का अधिकार नहीं है, हमारी गारंटी नहीं है कि आप स्वच्छ पानी पिए या कुछ भी, है ना। आपको गंदा पानी आ रहा है तो आप कंप्लेंट नहीं करेंगे,
यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में बात जाएगी, सुप्रीम कोर्ट इसको कहेगा ये तो आर्टिकल 21 के तहत भैया आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर दिया, क्योंकि आर्टिकल 21 के अंदर कहा गया है कि स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार और स्वच्छ पानी का अधिकार है ना, तो ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रही है ये विधि। अब आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रही है तो इसको क्या कर दिया जाएगा, गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक इसको घोषित कर दिया जाएगा। अब इसको घोषित कर दिया गया गैर संवैधानिक, कैसे कर दिया गया, आर्टिकल 13 के बेस पे, कि आर्टिकल 13 के बेस पे ये बताया गया है ना, आर्टिकल 13 के बेस पे बताया गया है कि भैया वो अर्जी लेकर के जाएगा, कहेगा जी आर्टिकल 13 के अंदर लिखा गया है कि ऐसी कोई भी विधि जो कि हमारे मूल अधिकारों के विपरीत है ना, विरुद्ध है, उसको गैर संवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। अब वो कहेगा जी कैसे विपरीत है, जी आपने इन्होंने कल संसद के अंदर एक बिल पास हुआ, वो बिल था कि आपको हमारी गारंटी नहीं है आप स्वच्छ पानी पिए, आप गंदा पानी भी पियो जो मर्जी पियो आपको स्वच्छ पानी पीने का अधिकार नहीं है, वो लेकर के गया, कह रहा जी हमारे 21 के अंदर तो कहा गया है स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार और स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, ये जो संसद ने कानून बनाया है ये उस बात के विपरीत है, उल्लंघन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है ये विधि को कानून को निरस्त कर दिया जाता है क्योंकि ये नागरिकों के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है ना। उसी तरीके से सेम यही कानून राज्य सरकार बनाए या और कोई कानून राज्य सरकार बना दे है ना, वो भी निरस्त कर दिया जाएगा। अब राष्ट्रपति द्वारा कोई अध्यादेश ला दिया जाता है, अब आपको पता ही होगा राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अध्यादेश कब लाया जाता है, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो या फिर सदन का एक सदन बैठक में हो दूसरा सदन बैठक में ना हो, है ना, क्योंकि कानून जो होता है दोनों सदनों से पास होता है। इसी तरीके से कोई भी प्रथा या फिर कोई भी परंपरा जिसने विधि का रूप लिया हुआ हो, जैसे अभी आपको पता चलेगा कौन सा, ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक के बारे में पता चलेगा कि ट्रिपल तलाक भाई ऐसे क्या होता था, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कुछ बात हो गई, जो भी एक लड़का होता था वो कहता था तलाक 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 हो गया, ये परंपरा आपकी पहले थी भाई, आज के टाइम में संवैधानिक बोलता है कि कानून की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग ही आप किसी भी तरीके से तलाक ले सकते हैं, अगर आप कानून का पालन नहीं कर रहे, कानून की प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हो और आप तलाक ऐसे ले दे रहे हो तलाक 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 करके एक परंपरा के आधार पे, तो ये किसके अधिकारों का उल्लंघन है, वो लड़की के जिसको मिला है ना, उसके अधिकारों का उल्लंघन करता है और हमारे कानून जो बनाए गए हैं उनके विपरीत है, इसलिए वो प्रथा और क्या परंपरा क्या होगी, विधि गैर संवैधानिक घोषित कर दी जाएगी, है ना, यही तरीका है इसको समझने के लिए। अब आपको इसको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझनी होगी कि आर्टिकल 12 और 13 को एक साथ समझना होगा, आर्टिकल 12 और 13 को एक साथ कैसे समझना होगा भाई, समझना तो बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 12 और 13 दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, आप कैसे करते हैं, आर्टिकल 12 के अंदर क्या बोलता है, राज्य, आर्टिकल 13 के अंदर क्या है, विधि, विधि कौन बनाएगा, विधि कौन बनाता है, संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति का अध्यादेश, ठीक है, या कुछ भी, वो उस समय पर जिस समय तक संसद नहीं चल रही है जब तक वो अध्यादेश है वो बिल्कुल संसद के, और राज्यपाल का जो अध्यादेश है वो राज्य की विधानसभा की शक्ति के एकदम उन्हीं के बराबर होता है, उसकी शक्ति के बराबर होता है, ठीक है, अध्यादेश और वो, तो विधि तो हो गई ये कि जो संसद ने और राज्य विधानसभा ने बनाई, ठीक। अब भाई राज्य क्या है, ये बोल रहा है राज्य, राज्य भी बताया ना मैंने आपको कि कानून कौन बनाएगा, इन्होंने तो बताई विधि के, विधि क्या है जो इनके द्वारा बनाई गई है, इनके द्वारा बनाई गई, इनके द्वारा बनाई गई, ठीक है। लेकिन अब ये है क्या, ये क्या है, ये आपस में एक राज्य है, क्या है, राज्य है, विधि कौन बनाता है, राज्य बना रहा है, ठीक है। जब कभी भी आपके मूल अधिकारों के विपरीत कोई विधि आती है और उसको चैलेंज करने हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहाँ पर राज्य ही लिखा जा रहा होगा, है ना, कि राज्य ने ऐसा बनाया,
और उसके आगे लिख दिया होगा केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया ऐसा कुछ, है ना। तो इस तरीके से लिख दिया जाता है। ये हो गया राज्य, विधि हो गई कानून, अध्यादेश, आदेश, निर्देश, है ना, कुछ भी देना जो राष्ट्रपति या फिर संसद राज्य विधानसभा द्वारा कुछ भी पास किया गया है, ठीक है, वो सब किसके अकॉर्डिंग होता है, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसलिए मूल अधिकारों को समझने से पहले आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आर्टिकल 12 और 13 नहीं समझा है तो उसको समझना इसलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम जब मूल अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे तो बार बार आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 सुनने में आएगा, समझे, यानी कि राज्य और विधि, है ना। आर्टिकल 14 को देखो, जैसे विधि क्या, विधियों का समान संरक्षण और विधियों के समक्ष समता, आर्टिकल 14 है ना, कि विधियों का समान संरक्षण और विधियों के समक्ष समता, आ गया ना वर्ड, क्या भाई विधि क्या है, अब विधि क्या है, अब विधि क्या बताई मैंने आपको यहाँ पे आर्टिकल 13 के अंदर, बता दी मैंने आपको कि संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, राज्य विधानसभा द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, राष्ट्रपति द्वारा लाया गया कोई अध्यादेश या फिर राज्यपाल द्वारा लाया गया कोई भी अध्यादेश, है ना, या फिर कोई भी प्रथा जो चली भी आ रही है वो, उस प्रथा में दोनों इक्वल होने चाहिए, जैसे ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक के अंदर अगर भाई लड़का तलाक तलाक बोल दे रहा है तो लड़की को भी अधिकार दो कि तलाक 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 बोलेगी तो उसको भी अधिकार है तलाक तलाक करने का, है ना, अब उसके अंदर समानता नहीं है इसलिए वो निरस्त हो गया, हो गया। उसी तरीके से आर्टिकल 13, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 14 विधियों का समान संरक्षण और विधियों के समक्ष समता, अब विधि क्या है उसके अंदर, विधि क्या है, यही है विधियाँ, ठीक है, और वो विधि कौन लाएगा, राज्य, और राज्य क्या है, संसद राज्य विधानसभा द्वारा जो बनाया गया कानून होगा वही विधि होगी, है ना, राज्य क्या है, संसद है, विधानसभा है, राष्ट्रपति है, ये सब वो है, पंचायत है, है ना, और गैर संवैधानिक वैधानिक निकाय, यही सब कौन है, कौन है, ये सब राज्य हैं, राज्य के परिभाषा के अंदर आते हैं, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ेंगे, जैसे आज हमने दो बड़े आर्टिकल पढ़ लिए, अपने आप में समझे जाएं तो बहुत बड़े आर्टिकल हैं ये, काफ़ी ज़्यादा समझ में आने चाहिए, इसलिए जब हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 14 के बारे में और 15-16 के बारे में तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, वीडियो समझ आ गई हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, क्लास में, थैंक यू।